हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह तोमर और मैं आपके लिए लाया हूँ आज साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, जो रेलवे में भी पूछे गए हैं और जो एसएससी वगैरह सभी प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा अगर आप तैयारी बेसिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के लिए भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपके लिए लाभ यह होगा कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्त, तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा प्रथम प्रश्न हो जाएगा हमारा, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो कौन सा बनता है दोस्तों बताइए। तो ये लाइकेन बनता है, ठीक है, लाइकेन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो बताइए किस क्रिया के कारण रहता है। तो ये हो जाएगा इसका वाष्पीकरण, ठीक है, इसका वाष्पीकरण हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो बताइए किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बताइए किस पर करती है, तो ये करती है संवेग संरक्षण पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो बताइए किसके प्रदूषण होता है, तो कैडमियम हो जाएगा इसका, कैडमियम के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बॉक्साइड किसका प्रमुख अयस्क है, तो बताइए, तो एल्यूमिनियम का है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में, इसे तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो ये संवहन द्वारा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो किस पर है, परमाणुओं की संख्या पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस किस भाग में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है दोस्तों, ठीक है, ये घट जाता है इसका, ये प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। मैंने एक और वीडियो बनाई है सेकंड, तो आपको उसमें भी बहुत ही क्वेश्चन है जो अपलोड की गई है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पार्ट टू है उसका, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो चलिए, अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें और हमारी वीडियो के लिए लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।